डियर स्टूडेंट्स, आज आम आलोचना करिबा सोडियम हाइड्रोक्साइड रो संकेत तार प्रस्तुति और तार व्यवहार संपर्क रे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रो संकेत होची NaOH। Na होची सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो किपरि प्रस्तुत करा जाए? विद्युत स्रोत को सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण मध्य देई प्रवाहित कले सोडियम क्लोराइड रो विघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हुए। सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण को ब्राइन मध्य कहा जाए। सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण को ब्राइन कहा जाए। ता मध्य देई विद्युत स्रोत प्रवाहित हेले विघटन घटी सेथिरु सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हुए। यहाँ क्लोरो अल्काली प्रणाली कहा जाए। माने जो मेथड रे या सृष्टि हला ताहाकु क्लोरो अल्काली प्रणाली कहा जाए। कारण क्लोरो क्लोरीन पाई लागिछि एवं अल्काली NaOH पाई व्यवहृत होइछि। एठारे प्रोडक्ट बा उत्पाद होउछंती क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तर तार आमर इक्वेशन होउछि NaCl प्लस H2O इंडिकेट्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। दुईटी गैस एठारे उत्पन्न होउछि एवं से दुईटी गैस होउछि क्लोरीन एवं आमर हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस एनोड ठारे और हाइड्रोजन गैस कैथोड ठारे निर्गत हुए। कैथोड पाखरे NaOH उत्पन्न हुए। आम जानिछु आमर पॉजिटिव पॉइंट होउछि एनोड एवं नेगेटिव माइनस पॉइंट होउछि आमर कैथोड। कैथोड पाखरे सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होउछि। तो व्यवहार से गुड़ा कौन? तो व्यवहार तीनोटी उत्पाद सृष्टि होउछि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस। ए तीनोटी जाक अति व्यवहार उपयोगी अटंती। तो से मानुक आमे कोथिरे व्यवहार करूछु देखिबा। हाइड्रोजन गैस को ईंधन, वनस्पति घी, सार पई, एमोनिया आदि प्रस्तुति रे व्यवहार करा जाउछि। क्लोरीन रो प्रस्तुत उत्पाद गुड़िक द्वारा जल विशोधन होउछि, जल को परिष्कार करा जाउछि। आउ कौन करा जाउछि? संतरण पोखरी जो स्विमिंग पूल रहिछि बड़ बड़ होटल मानक पारे कि जोटी कंपिटन हो स्विमिंग कंपिटन। तो संतरण पोखरी व्यवहार करा जाउछि क्लोरीन को पीवीसी विशोधक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कीटनाशक माने कीट मानक मारिया पई जो जमी रे प्रयोग करा जाउछि विभिन्न प्रकार कीटनाशक सेगुड़ी को मध्य क्लोरीन रो प्रस्तुत करा जाई प्रयोग करा जाउछि। NaOH को धातु को तैलमुक्त करबा को सोडियम हाइड्रोक्साइड को फैक्ट्री मानक रे धातु को तैलमुक्त करबा को साबुन अपमार्जक विभिन्न परिष्कार करिया पई धातु को साबुन तैयारी पई मध्य व्यवहार करा जाउछि। कागज कृत्रिम तंतु कृत्रिम जो सूता कृत्रिम वस्त्र इत्यादि रे मध्य उपयोग करा जाउछि सोडियम आमर कोन हाइड्रोक्साइड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमोनियम क्लोराइड आदि विभिन्न प्रकार कोन औषध और प्रसाधन सामग्री पई मध्य व्यवहार करा जाउछि। प्रसाधन सामग्री होउछि आमर कॉस्मेटिक्स। तो ये थिला आमर सोडियम हाइड्रोक्साइड रो संकेत, तार प्रस्तुति प्रणाली एवं तार व्यवहार। देन आम आलोचना करिबा ब्लीचिंग पाउडर संपर्क। ब्लीचिंग पाउडर रो संकेत रहउछि CaOCl2। प्रस्तुति किपरि करा जाउछि? शुष्क समित चून CaOH2 कु ता सहित क्लोरीन गैस रो रासायनिक प्रतिक्रिया घटी ब्लीचिंग पाउडर प्रस्तुत करा जाउछि। यहाँ प्रकृत संरचना कंपोजिशन वास्तव में जटिल अटे। समीकरण कौन? CaOH2 प्लस Cl2 इंडिकेट्स CaOCl2 प्लस H2O। यह रहा आमर ब्लीचिंग पाउडर समीकरण प्रस्तुतिर समीकरण। देन आम आलोचना करवा ब्लीचिंग पाउडर व्यवहार। ब्लीचिंग पाउडर ना आम समस्ते उना अधिक जाणीचु जोटा को आम जल को परिष्कार करने व्यवहार करी थाउ।
କିମ୍ବା ଅଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥାଉ। ତ ଦେଖିବା ତାର ବ୍ୟବହାର ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ କପା ସୂତା ଓ ସଣ ବସ୍ତ୍ର ଲାଇନନ୍କୁ କାଗଜ କଳରେ କାଠମଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ ସଫା ଲୁଗାକୁ ବିରଞ୍ଜନ ବା ବ୍ଲିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ତ ନାଁରେ ତ ବ୍ଲିଚିଂ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ବ୍ଲିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ରର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଛି। ଅନେକ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ଜାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ରାସାୟନିକ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ଜାରକ ଭାବରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଜୀବାଣୁ ନାଶକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଜୀବାଣୁ ନାଶକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ପିଇବା ପାଣିକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ରର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଥିଲା ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ରର ସଙ୍କେତ, ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବା କିଛି ବ୍ୟବହାର। ଆଶା କରେ ଆପଣ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଛ। ଏତିକି ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।